चनाब कॉलेज 2019 में सेंट्रल पंजाब अंडर 16 के लिए सिलेक्ट हुआ था। सबसे पहले यहाँ से निकल के मेरा जो एम है ना वो है जिंदगी को एंजॉय करना। मैं पायलट बनना चाहूँ। चनाब कॉलेज के बारे में मैं यही बात करना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ये एक अलग दुनिया है। चनाब कॉलेज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेख तारिक और आप देख रहे हैं शेख तारिक व्लॉग। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं चनाब कॉलेज और चनाब कॉलेज के मैं बाहर खड़ा हूं। तो हम अभी चनाब कॉलेज के अंदर जाएंगे और अंदर का विज़िट करेंगे और बहुत सी मालूमात लेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त चनाब कॉलेज में इंटर हो चुका हूं और ये मैं चनाब कॉलेज की तरफ जा रहा हूं। वेलकम टू चनाब कॉलेज, आइए हमारे साथ। हमारे साथ मौजूद हैं चनाब कॉलेज के जो ड्राइवर हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मार्तनवीर अब्बास। तो आप यहाँ पे कितने साल? मुझे ये छठा साल हुआ है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे काम? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे इधर बच्चा एक फ्री है और हमें इधर बहुत बेनिफिट मिलते हैं। हमारे इलाज वगैरह के लिए भी बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, हमारे एडमिन साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे जो इदारे के जितने मुलाजिम हैं एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छा पेश आते हैं। अगर किसी के घर परेशानी बनती है तो हमारा अमला एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारा फोरमैन असगर अली साहब बहुत अच्छे हैं, आसिफ अली साहब बहुत अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज इमरान अली साहब वो बहुत अच्छे हैं। तनवीर साहब, ये बताइएगा कि जो आपके पहले प्रिंसिपल थे लोधी साहब, वो आपके साथ ज़्यादा कोऑपरेटिव थे या जो अब मेहदी शाह साहब हैं वो ज़्यादा कोऑपरेटिव? ये दोनों अच्छे हैं। जो मेहदी शाह साहब हैं वो पहले भी थे यहाँ, वो पहले भी बहुत अच्छे थे, पहले भी हमारे साथ बहुत अच्छा भाव करते थे और अब भी बहुत अच्छा करते हैं, और लोधी साहब भी बहुत अच्छे थे। जी नाज़रीन, तो ये है वो जगह जहाँ पर चनाब कॉलेज की असम्बली होती है और वो स्टेज बना हुआ है। ये जनाब जी चिड़ियाघर है। और हमारे जो इस दाएं हाथ पे है वो जहाज है। क्या नाम है आपका? सदाम हुसैन। आप यहाँ पे गार्ड? जी है जी गार्ड। कब से हैं? 2 साल से तक। तो चनाब कॉलेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चनाब कॉलेज एक अच्छा इदारा है और जितने भी मुलाजमीन हैं सब की अच्छी वेलफेयर करते हैं चनाब कॉलेज में और बाकी इदारों से अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये ऐसा ही रहे और हमेशा इसी तरह वेलफेयर करते रहे। 1991 में इसकी बुनियाद रखी गई। चनाब कॉलेज के टोटल 7 विंग्स हैं और इस चनाब कॉलेज के अंदर जो साइंस लैब्स बनी हुई हैं वो 2 हैं और लाइब्रेरियाँ वो भी 2 हैं। जो इस चनाब कॉलेज की अपनी जाती वैन्स हैं वो 32 हैं और 32 वैन्स ही प्राइवेट्स हैं। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये एडमिन ऑफिस की है और इसकी हम दूसरी साइड पर खड़े हैं। विंग्स के बाहर तो मैं इस वक्त जा रहा हूं चनाब कॉलेज के T2 विंग्स में। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको विजिट करवाएंगे। नाज़रीन, ये इस विंग्स को बहुत ही खूबसूरती से इनके वाल्स को सजाया गया है। तो ये हमारे जो पाकिस्तान की शख्सियात हैं, अहम शख्सियात हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। ये हैं जी मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, शायर मशरक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। ये है मोहतरमा फातिमा जिन्ना। ये हैं हमारे साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और ये हैं अबू मोहम्मद अब्दुल्ला इब्न अहमद और ये हैं मोहम्मद इब्न जकरिया और ये हैं
अब्दुल मलिक इब्न कुरैब अल असमाई, और ये हैं जनाब अबू अली अल हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना, और ये हैं हमारे जंग की शख्सियत, हमारे जंग की आन जंग की शान, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम। जा रहे हैं जिस तरह ये विंग्स है, सारे विंग्स इसी तरह खूबसूरती से बनाए गए हैं। ये हम विंग्स के फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ से हम पूरे चनाब कॉलेज का नज़ारा कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने हमें अपने कमेंट्स में बताना है कि कैसा लगा आपको चनाब कॉलेज का विज़िट और कैसी लगी चनाब कॉलेज की बिल्डिंग। तो नाज़रीन, ये बॉयज़ हॉस्टल है चनाब कॉलेज की साइड से, और इस बॉयज़ हॉस्टल के पीछे मेस बना हुआ है जहाँ से वो खाना खाते हैं। ये है जी हॉस्टल H1। भाई क्या हाल है? ठीक है, क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित कहाँ से? जो बलोचिस्तान। जो बलोचिस्तान। बच्चों को मोबाइल रखने की परमिशन नहीं है, क्या ये सच? जी बिल्कुल, ये सच बात है। मोबाइल के बगैर किस तरह रहे? तो हमें ना सिर्फ वो संडे से संडे देते हैं मोबाइल, संडे को मिलता है, वो टाइमिंग है, सिर्फ मोबाइल हमें संडे को मिलता है, इसके अलावा नहीं मिलता। तो बाकी हम मोबाइल के बगैर पूरा एक हफ्ता आपका गुजारा हो जाता है मोबाइल के? ना भी होता हो तो फिर करना पड़ता है गुजारा, क्योंकि मजबूरी है। टीवी है यहाँ पे, लेकिन जो काम मोबाइल करता है वो टीवी तो नहीं ना कर। ये तो है, पर घर वालों ने भी हमें इसलिए भेजा है क्योंकि ये हमारा काम टाइम है पढ़ने का, तो इसे हम मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे तो हम पढ़ेंगे तो आगे जाके मोबाइल ही यूज़ करना है पूरी ज़िंदगी, तो इसलिए हम पढ़ जाएंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा यहाँ चनाब कॉलेज? यहाँ बहुत अच्छा लगा है और बहुत खुशी हुई है माशाल्लाह, बहुत अच्छा माहौल है इधर का, स्टडी का बहुत अच्छा माहौल है और इनका खाना हर चीज़ बहुत अच्छा है। ये जब शुरू में आए थे तो उस टाइम थोड़ी सी याद आती थी घर वालों की, शॉर्टकट की, अपने दोस्तों की। यहाँ से निकलने के बाद आपका क्या वैसे एम, क्या क्या बनना चाहते? सबसे पहले यहाँ से निकल के मेरा जो एम है ना वो है ज़िंदगी को एंजॉय करना, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 से 6 साल हॉस्टल में गुजार दिए हैं और अब बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा हॉस्टल में रहने का। कम से कम 1-2 साल मैं घर में रहना चाहता हूँ और फुल एंजॉय करना चाहता हूँ ज़िंदगी, और उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगा आगे कहीं पर यूनिवर्सिटी। इंजॉय यूनिवर्सिटी में भी होता है लेकिन वो उस किस्म का इंजॉय नहीं ना होता। मैं चाहता हूँ सिर्फ एक बेड हो, एक तकिया हो और साथ एक चार्जिंग पॉइंट। ये सारी फैसिलिटीज यूनिवर्सिटी में मिलती है? यूनिवर्सिटी में मिलती है लेकिन साथ पढ़ाई की थोड़ी थोड़ी टेंशन होती है। एक चार्जर, एक मोबाइल, एक बेड और एक तकिया। आपको पता है यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं पड़ता? यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना पड़ता? नहीं पढ़ना पड़ता। चलें फिर यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे ये जी। आप क्या बनना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो इंसान बनना चाहूँगा। क्या बात है, मतलब पहले आप नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल हरकतें वो वाली नहीं है, इंसान वाली नहीं है। तो इसके अलावा इंसान जब बन जाएंगे उसके बाद क्या बनना? उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ भाई, आप क्या बनना चाहेंगे? डीसी। डीसी बनना चाहेंगे? जिस इलाके में आप लगेंगे फिर आप बीड़े पर पाबंदी लगाएंगे? नहीं सर, मैं इंशाल्लाह फुल खुला माहौल दूंगा सबको, सब अपना एंजॉय करें। यार ये तो इमरान खान भी कहते हैं। इमरान खान झूठ बोलते हैं, वो सिर्फ दूसरों की जो ना उंगलियों पे चलते हैं, हम इंशाल्लाह अपना हुक्म चलाएंगे। हमारी दुआ कर लो आपको डीसी बनाए। तो आप क्या बनना चाहेंगे? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहिए? कौन सा? MBBS डॉक्टर। क्या नाम है? मोहम्मद अमान। भाई आप क्या बनना चाहेंगे? मैं पायलट बनना चाहूँ। पायलट? जी।
कौन से? एक तो वो शाम के बाद जो पायलट बनते नहीं, मैं दिन टाइम जोड़ते हैं वो वाले पायलट। दूसरे पायलट क्या नाम है? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित कहाँ से? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के हालात कैसे? माशाल्लाह बहुत अच्छे। आपके आने के बाद अच्छे हैं या पहले भी अच्छे? पहले भी अच्छे थे, हमारे आने के बाद और अच्छे हो गए। और अच्छे हो गए। क्या बनना चाहेंगे आप? जो अल्लाह को मंजूर हो। अल्लाह तो चाहता है आप अच्छे इंसान, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद आपका क्या एम क्या है? मैं इंशाल्लाह अबू बनूंगा। मेरा नाम बिलाल हसन है, मैं यहाँ पे लेक्चरर भी हूँ और उसके अलावा मैं यहाँ पे असिस्टेंट हाउस मास्टर के अहदे पर फाइज हूँ। फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है और बच्चों को मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आप बड़े नाइस पर्सन के, जो लोग खुद अच्छे होते हैं उन्हें सारी दुनिया अच्छी लगती है। लेकिन आप दिखने में भी लग रहे हैं और वैसे। थैंक यू सो मच। तो क्या कहना चाहेंगे चनाब कॉलेज के बारे में? चनाब कॉलेज के बारे में बस यही बात करना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ये एक अलग दुनिया है जिसके अंदर हर बच्चा अपने ख्वाहिशात अपने जज्बात को खुल के इजहार कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जो कि आने वाले फ्यूचर के अंदर, आने वाले दौर के अंदर आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं जो कि कहीं और अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हॉस्टल की एक ऐसी लाइफ प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर आप लोगों को एक वेल डिसिप्लिन और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आप लोगों को किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, फ्यूचर के अंदर आप लोगों ने क्या अचीव करना है, क्या कुछ आप लोगों ने हासिल करना है और वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं, ये तमाम की तमाम बातें बहुत सारे इदारे आप लोगों को बताते होंगे, लेकिन चिनाब कॉलेज के अंदर जो बातें आप लोगों को मिलती हैं, यहाँ का माहौल, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का ग्रास, यहाँ के फील्ड, यहाँ के ग्राउंड्स, वो वाली बातें आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेंगी। बिलाल साहब ये बताएं कि एक बिगड़ा हुआ लड़का अगर चिनाब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसके सुधरने के हैं चांस? जी, चिनाब कॉलेज एक जेल नहीं है, यहाँ पे हम उन्हें एक अच्छे इंसान बनाने की पूरी तरबियत देते हैं। तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ पे बलूचिस्तान के, क्वेटा के, कराची के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट और पंजाब के एनवायरनमेंट में काफ़ी फ़र्क होता है। तो आप लोगों के सामने है कि यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, और तो जितने भी बिगड़े हुए लड़के हम कह सकते हैं, तो वैसे कुदरती तौर पर तो कोई भी इंसान बिगड़ा हुआ नहीं होता, कुछ हालात उसे बना देते हैं और कुछ उसके घर वालों के साथ या फिर उनके मामला की कुछ तरबियत इस तरह की होती है कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। अच्छा बिलाल साहब एक बात बताएं कि वो बच्चे जो चिनाब कॉलेज में एडमिशन लेने की ख्वाहिश रखते हैं, ख्वाब रखते हैं, लेकिन वो अब फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उस वजह से वो यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, अपनी तालीम यहाँ पे हासिल नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप कोई दो चार टिप्स देना चाहें? जी, जो लोग या फिर जिनके घर वाले उन्हें सपोर्ट नहीं करते या फिर उनकी आमदन इतनी नहीं है, कॉलेज वाले उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि उनके लिए फ़ी कंसेशन की सहूलत मौजूद है, वो आए हमारे पास, वो एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखें, वो हमारे प्रिंसिपल साहब से मुलाकात करें और अपने तमाम के तमाम ख्वाहिश उनके सामने रखिए कि हमारे अंदर ये पोटेंशियल है, कि हमारे अंदर ये जज्बा है कि हम भी इन बच्चों के साथ कॉम्पीट कर सकें, ताकि हम अपनी लाइफ को अंदर जो हमारा एम है हम उसे सिक्योर कर सकें। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल है, आप हमारे पास आएँ, उसके लिए आपको हमारे जो जितनी भी तावन की ज़रूरत है हम उसके लिए हाजिर। इनका शुक्रिया। अच्छी इन्होंने बातें बताई हैं और इन्होंने अपने जो एम है वो बताए हैं हमें, तो एक बार चनाब कॉलेज के लिए नारा लगा दें। चनाब कॉलेज जिंदाबाद, मेहती शाह साहब जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज। पाक फौज जिंदाबाद। भाई फाक फौज नहीं, पाक फौज। जी नाज़रीन, अब हम इस वक्त पहुँच चुके हैं चिनाब कॉलेज हॉस्टल बॉयज़ H2। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली आते हैं, कुछ के हाथ में बुक्स हैं और कुछ तो बिल्कुल घर जाने की तैयारी में है। क्या नाम है आपका? कहाँ से बिलोंग? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से। आपका नाम? बिलाल अज़हर। बिलाल अज़हर, माशाल्लाह। आप हफ्ज़ कुरान? जी जी। कहाँ से? टिब्बा सुल्तानपुर से। तो किस क्लास में? 10th। कब से? 2 साल हो गए। तो कैसा लग रहा है चुनाव? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा एक्सपीरियंस है। आपका नाम क्या है? मीर अमीन। आप कहाँ से बिलोंग? बलूचिस्तान क्विटा से। कब से हैं इधर? 3 साल हो रहे हैं। किस क्लास में? 9th में। कोई एक ऐसी बात जो चुनाव कॉलेज की आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं, सारी चीज़ें अच्छी। नहीं, कोई एक बात? गर्मी है अभी। आपका क्या नाम? नूर नबी। नूर नबी, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम। तो आप भी? आप जब? नहीं। तो कहाँ से? सिंध, हैदराबाद। तुम जो नालो छाए? मुझे नालो नूर नबी है। कब से इधर? 1 साल हो गया। 9th क्लास? जी हाँ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर जतोई। कहाँ से? क्वेटा से। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेहती शाह साहब जिंदाबाद। चिनाब कॉलेज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। लोधी साहब जिंदाबाद। बलूचिस्तान
तो अब हम चलते हैं चिनाब कॉलेज के बाकी हिस्से में और आपको विजिट कराते हैं कि वहाँ का क्या माहौल है। चले आइए हमारे साथ। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिनाब कॉलेज के मैस का खाना बनाते हैं उनके साथ, तो आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल रसूल। अब्दुल रसूल, कहाँ से हैं आप? सूफी मोड। रोटी बनाते हैं, कौन सी रोटी? ये पराठे आटे की। अच्छा, आटे की। हाँ, तो कब से हैं आप इस चिनाब कॉलेज? ये तकरीबन 7 महीने हो गए। 7 महीने हुए, तो फिर यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है यहाँ चिनाब कॉलेज? सही लगते हैं। लग रहा है, मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। मैस के इंचार्ज है, उनकी तरफ जाते हैं और उनसे पूछते हैं जनाब कॉलेज के बारे में। आइए हमारे साथ। क्या नाम है आप? मकबूल। कहाँ से बिलोंग? जंग सिटी से। तो आप यहाँ पे हॉस्टल के इंचार्ज? सुपरवाइज। कब से हैं आप इधर? 28 ईयर्स। मतलब कि आपने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा इस कॉलेज को दिया है, तो इस कॉलेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कॉलेज माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ज़्यादा कुछ इस बात की कि इधर बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ी एजाज़ की बात है कि आपके बच्चे इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इधर से ही तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आपकी यहाँ पे कोई एक लिमिट भी है कि इतने साल के बाद आपने रिटायर हो जाएगा? 60 ईयर्स। जी नाज़रीन, ये है इस साइड पे चिनाब कॉलेज का कैफेटेरिया। अस्सलामुअलैकुम भाई। क्या नाम है आपका? यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने रखी? हमारे पास फास्ट फूड में बर्गर, शवारमा, सैंडविच, टिक्का, रोल, इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोल्ड ड्रिंक सर अलाउ नहीं है क्योंकि महकमा फूड द्वारा बंद किए हुए हैं स्कूलों कॉलेजों में। फिर उसकी जगह आपने जूसेस वगैरह रखे? जी नाज़रीन, तो ये है चिनाब कॉलेज का मुदस्सर रियाज रिसेशनल सेंटर, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग्स होती हैं। जो अहम मीटिंग्स होती हैं स्टाफ की, वो भी इसी के अंदर होती हैं। हमारे साथ चिनाब कॉलेज के एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जो मैच के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने पहले कहाँ कहाँ मैच खेला है और कौन कौन से मैच इन्होंने विन किए। मेरा नाम अब्दुल बासित है, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ, राइट आर्म बैट्समैन भी हूँ। मैं 2019 में सेंट्रल पंजाब अंडर 16 के लिए सेलेक्ट हुआ था। अभी 2021 में अंडर 19 में सेलेक्ट हुआ हूँ सेंट्रल पंजाब के लिए। तो मेरी यही ख्वाहिश है मैं क्रिकेट खेलूँ, आगे भी क्रिकेट खेलूँ और सारा ज़िंदगी क्रिकेट खेलता रहूँ। मुझे PSL खेलने का भी बहुत बड़ा शौक़ है और इंशाल्लाह मैं बड़ा होकर क्रिकेटर ही बनूँगा। मैं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल को बहुत पसंद करता हूँ। पाकिस्तान में किसके? पाकिस्तान में तो मैं सईद अनवर मेरा आइडियल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिनाब कॉलेज के उस ग्राउंड में जहाँ पर चिनाब कॉलेज के स्टूडेंट अपने फ्री टाइम में प्रैक्टिस करते हैं। और मेरे ये दूसरी तरफ है बच्चों का प्लेग्राउंड, और ये ग्राउंड T7 विंग्स की बैक साइड पे है, और ये आपको नजर आ रही होगी T7 विंग्स की बैक साइड की बिल्डिंग। और ये सामने जो नज़र आ रही है विंग्स, वो T6 है। तो हम ये विंग्स की बैक साइड पे खड़े हैं। मैं इस वक्त T7 और T6 विंग्स के दरमियान में खड़ा हूँ, और T6 के बिल्कुल सामने ये बच्चे मैच खेल रहे हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं, और यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं। और ये मेरी बैक साइड पे ये है वाटर प्लांट, जो तीसरा वाटर प्लांट है वो लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा वाटर प्लांट है। यहाँ से पूरे ये तीनों जो प्लांट बने हुए हैं, इन तीनों प्लांटों से ही ये पूरे चिनाब कॉलेज को पानी की सप्लाई दी जाती है, और यहीं से पानी का इस्तेमाल किया जाता है पीने का। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चिनाब कॉलेज के जो बॉयज़ हॉस्टल के मेस के जो वेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? सलाम बिलावल। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जंग से। जंग किस जगह? आदिवाल चौक। तो भाई आपका क्या नाम? कहाँ से बिलोंग करते हैं? जब्बन है, चक नंबर 170। तो कितना अरसा हो गया आप दोनों? मुझे 12 साल हो गए। आपको? 5 साल। कैसा लगा आपको चिनाब कॉलेज में आकर? बहुत
अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। चनाब का स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, यानी कि हर चीज़ की सहूलियात है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं। जी नाजरीन, तो यह है चनाब कॉलेज का एक्वेटिक सेंटर जहाँ पे अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ है। हम आपको विजिट कराते हैं स्विमिंग पूल का, आइए हमारे साथ। तो हम चनाब कॉलेज के स्विमिंग पूल के पास मौजूद हैं, तो हम आपको यहाँ का विजिट कराएंगे और इसके बारे में आपको जो मालूम हैं वो आप तक पहुँचाएंगे। ये वो जगह जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने शूज़ वगैरह उतारते हैं और ये है वो जगह जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने किट टोज़र और ज़रूरत का सामान यहाँ पर रख के लाभ करते हैं। आइए अब आपको इसके बेसमेंट में ले चलते हैं जहाँ पर ये सारा निज़ाम है स्विमिंग पूल का, कि पानी कैसे आता है और किस तरह नीचे वापस ले आता है। वो पाइप जिनके ज़रिए पानी ऊपर स्विमिंग पूल में जाता है और इन्हीं के ज़रिए पानी वापस भी आता है। बड़ा पुख्तगी से इन्होंने बनाया हुआ है और इस पर करोड़ों रुपए की लागत आई है। यहाँ पर जगह जगह इन्होंने सप्लाइज़र भी रखे हुए हैं जो कि पानी को सर्द गर्म होने के लिए कंट्रोल करते हैं। तो ये हैं वो टैंक और मोटर्स और ये सप्लाई के पाइप्स हैं जो ऊपर की तरफ ले जाते हैं। इन बड़े पाइपों में बड़े पाइपों से ऊपर की तरफ जाता है पानी। ये स्विमिंग पूल के नीचे ही बना हुआ है और इसकी चारों साइडों से बना हुआ है, मतलब एक साइड से होके हम इधर से दूसरी साइड से हम बाइक की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ आपको पानी के बड़े बड़े पाइप भी नज़र आ रहे होंगे जो नीचे से ऊपर, और इन्होंने नीचे भी उसका पाइपों का जाल बिछाया हुआ है। जी नाजरीन, अब हम स्विमिंग पूल से बाहर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो ये था स्विमिंग पूल के नीचे जो सप्लाई सिस्टम बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे चनाब कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं मेदी शाह साहब, उनका बेहद मशहूर हूँ, और यहाँ के जो एडमिन साहब हैं इमरान साहब, उनका भी बेहद मशहूर, और यहाँ के जो टीचर्स हैं लियाकत साहब और अहमद सखी साहब, उनका भी बेहद मशहूर हूँ।